नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। आज मैं अभी विगत दिनों पे घटित एक भयावह घटना के बारे में जरूर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। महाराष्ट्र में पालघर में घटित नृशंस हत्या, दो संतों की ये मानसिक दिवालियापन का की निशानी दिखती है कि लोगों की सोच किस स्तर तक गिर चुकी है। लोग सत्ता के लिए अपने कर्तव्यों का पालन ना करना, किसी की निर्मम हत्या कर देना या करा देना, ये किसी विषम परिणाम की तरफ अग्रसित करती है और कोई ना कोई ऐसा इशारा करती है कि जो लोग अपना जीवन त्याग बलिदान से इस समाज की रक्षा में लगा देते हैं, वो संत जिनके ऊपर इस तरह की घटना घटती है, जो किसी भी प्रकार से न देखने योग्य है, न सुनने योग्य है और ना ही बर्दाश्त करने के योग्य है। संत समाज हमेशा से जगत को अपने जीवन त्याग तपस्या के जरिए सब कुछ देता ही आ रहा है। आज तक कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है और आज जहां विश्व की महामारी COVID-19 चल रही है, दुनिया त्रस्त है, हर धर्म के लोग इसमें त्रस्त हैं, वहीं ये प्रमाण है कि इस हिंदुस्तान में 2 करोड़ की संख्या वाले साधुओं में एक भी संत कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। इस त्याग और तपस्या का इतना भयावह, इस तरह की नृशंस हत्या जो 2 संतों को घेर के पीट पीट कर मार दिया जाता है और इस देश के हुक्मरान इनके कान में जू नहीं रेखती, ये कुछ बोलते नहीं है और एक षड्यंत्र करके लोगों को मारा जाता है, ये ना संत समाज और ना ये हिंदू समाज, ना ये सनातन धर्मी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो तब भी चाहूंगा कि प्रभु कृपा करे, सबके मस्तिष्क को ठीक रखे, नहीं तो मुझे तो दिख रहा है कि बहुत भयानक परिणाम आने वाले हैं। कि याचना नहीं अवरण होगा, परिणाम महाभीषण।